ये है जी देखो पहाड़ की नारी शक्ति, सुबह ही अपने काम में लग गई हैं, घास काटने वाले में आजकल ये चल रहा है घास काटने का काम। और इस घास को काट के फिर सुखाया जाएगा, रखा जाएगा ताकि मवेशी खाएं। तो गांव-गांव में आज के टाइम में ये प्रक्रिया दिखाई दे रही है। ये रूटीन रहता है वर्ष के हर महीने, हर सीजन, हर ऋतु में। यहाँ जो हमारे ग्रामीण जीवन है, चाहे वो प्लेन्स का हो चाहे वो पहाड़ों का हो, उसका अपना एक सेट रूटीन रहता है कि भाई इस महीने में इस मौसम आने पे हमको ये कार्यवाही करनी है और इस मौसम में ये करनी रहती। ये वर्ष दर वर्ष चलता रहता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन मौसम के अनुसार होता है। भाई बारिश है, बर्फबारी है या सूखा पड़ने पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन मेहनत उतनी है, हार्डवर्क उतना ही है, रूटीन कमोबेश वही है। फिर पशुओं का लुक आफ्टर करना है, उनको भी देखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मालूम रहता है कि किस मौसम में किस तरीके की बीमारी उनको पकड़ सकती है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ग्रामीण लोग बड़े व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में। उनके लिए ऐसा नहीं कि बोर हो गए जी खाली बैठ के, तो ये वाली जो फीलिंग है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देती नहीं। वो जो लोग होंगे शहर में, अच्छा शहर वाला लोग ये भी बोलते हैं कि जी हमने ये भी सुना कि जी एक ही काम को लगातार करते हैं तो बोरियत हो जाती है, मंडेन हो जाती है उनकी लाइफ। तो यहाँ भी तो वर्ष दर वर्ष, महीने दर महीने वही रूटीन रहता है, लेकिन ऐसी कोई कंप्लेंट हमने यहाँ कभी किसी से सुनी नहीं, क्योंकि हम भी तो गांव की बैकग्राउंड के ही है, हम भी इसी माहौल में पले बढ़े हैं प्लेन्स के, तो ऐसा कुछ है नहीं। शाम को अपना बैठ जाते थे बैठक पे, चौपाल पे, कोई अपनी बात बता रहा, कोई अपनी बात बता रहा, तो वो भी एक अपने आपको आपसी मेल जोल भी बढ़ता था और हंसी मजाक भी हो जाया करता था। तो ये सब चीज़ें हैं जी ग्रामीण जीवन में, कहीं कहीं तो अभी भी हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, टीवी आ गया, सब चीज़ आ गई, तो लोग सिमट भी रहे हैं। लेकिन आज भी छोटे छोटे जो गांव हैं जा देखने में आ जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चाय की दुकान पे हो जाते हैं, अखबार पढ़ने के बहाने हो जाते हैं, तो ये चीज़ अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई है।